भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसमें आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई ठिकाने तबाह होने की खबरें हैं। रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय हवाई सेना ने आज सुबह पाकिस्तान वाले कश्मीर में दाखिल होकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कम से कम 12 मिराज 2000 जेट विमानों ने एक ऑपरेशन में भाग लिया, जिसने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी शिविरों पर 1000 किलोग्राम बम गिराए। वीडियो में जेट को बम गिराते हुए देखा जा सकता है। और इस दौरान लुधियाना पहुंचे जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी ने मीडिया से अपनी बातचीत में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना को बधाई दे दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 12 मिराज विमानों का बिना किसी खरोच लगे वापस आ जाना वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक को बहुत ही अहम स्ट्राइक करार दिया। मेरी पहली प्रतिक्रिया कि मैं इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलट्स को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा, एक बहुत ही आला दर्जे की प्रोफेशनल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जो उन्होंने सीमा रेखा के पार करी है, और ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल और पीओके के अंदर करी है लेकिन बालाकोट जो कि पाकिस्तान की मेनलैंड भूमि पे है उस पर भी स्ट्राइक हुई है। हमारे 12 मिराज 2000 जहाज इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया है, लेसर गाइडेड 1000 केजी के बॉम्ब्स जो कि बहुत ही घातक बॉम्ब है, उससे 3 टेरर टारगेट हिट की है। खासकर जो मेन टारगेट है वो है बालाकोट की टारगेट, जहां पे जैश ए मोहम्मद का बड़ा कैंप होने की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, और जहां पे कि यूसुफ जो है जो कि नेफ्यू है मसूद अजहर का, यूसुफ अजहर, वो वहां पे ट्रेनिंग दे रहा था लोगों को, जैश ए मोहम्मद के ये सरगनाओं को, कि वो और टेरर हमले कर सकें भारतवर्ष के खिलाफ। तो ये जो है एक बहुत ही अहम स्ट्राइक हुई है पार। दर्जे हरारत पाकिस्तान के लिए बढ़ाई गई है, और खुशी की बात यह है कि तमाम जहाज बगैर खरोच वापस आए। पाकिस्तान की एयरफोर्स इनका ठेंगा नहीं बिगाड़ सकी, और वो इसलिए कि Su-30 हमारे जो थे वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल फ्लाई कर रहे थे कि अगर कोई F-16 उठते हैं तो उनको निस्तनाभूत कर दिया जाएगा। रात में ठीक 3 और 2:30 और 3:30 बजे के बीच में